जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज आशीष त्रिपाठी एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। यदि मेरी वॉइस क्लियर, विजिबिलिटी क्लियर और आप लोग क्लास में समय से उपस्थित हो चुके हैं तो एक बार जय हिंद के माध्यम से आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा दें, जिससे हम आज के सेशन की यहां पर शुरुआत कर पाए। भैया चलिए, 29th of March आज है, 29th of March 2024 और आज की सुर्खियों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में क्या है कुछ खास, ये हम आज के सेशन दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़िएगा। यहां पर पीयूष हैं, श्रेया हैं, घनश्याम, मनु, ओके, राधिका, सोहिल, रोशनी, स्वाति, रानी, रश्मि, अर्चना, श्रेया सिंह। चलिए भैया सभी लोग फटाफट जुड़ते आना। दोस्तों कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने नोबल पुरस्कार, है ना, कल नोबल पुरस्कार 2023, इसके अलावा भारतीय नोबल पुरस्कार विजेताओं में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे भैया पढ़े थे। कल की क्लास जिन्होंने मिस की हो ना तो भैया पढ़ लेना, मैंने बोला था ये हमारे स्टैटिक पार्ट भी यहां पर कवर होते हैं। इसके अलावा हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जो जारी हुई है उसके बारे में पढ़ा था और इसके अलावा चुनाव आयोग से संबंधित कुछ ऐप के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज की क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, एबल पुरस्कार, कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, इसके अलावा कुछ प्रमुख कमेटी के साथ साथ मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हम आज यहां पर फोकस करने वाले हैं। चलिए भैया एक लाइन है जो आप सभी के लिए यहां पर मैं शेयर करना चाहूंगा। चलिए एक लाइन दोस्तों आप सभी के लिए है कि सब्र करना पड़े तो कर लेना, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे तो वक्त ले लेना, लेकिन सूरज बनना है और सूरज की तरह आपको धधकना होगा, क्योंकि दोस्तों अब समय आ चुका है सिलेक्शन लेने का और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए अब आपको पढ़ना होगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। और घर वाले जो उम्मीद कर रहे हैं ना कि भैया हमारा जो बेटा है कहीं ना कहीं अब ये जिम्मेदारी समझेगा, है ना, हमारी बेटी है वो अब ये जिम्मेदारी समझेगी, तो वो जिम्मेदारी का भाव अब आपके ऊपर दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, नियमित रहना है और कहीं ना कहीं दोस्तों मेहनत करके रिजल्ट यहां पर बेहतरीन करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली खबर आपके सामने ये रही और यहां पर दोस्तों हम बात करें, एक नाम लिखा है एबल पुरस्कार, याद रखना दोस्तों ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप लोग याद रखना ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको हम गणित का नोबल, है ना, इसको हम गणित का नोबल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं, ये भी डेटा याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, गणित का नोबल, यानी ये नोबल है दोस्तों किसका, मैथमेटिक्स का, है ना, क्योंकि आपको पता है जब मैं नोबल पुरस्कार की बात करता हूं तो मैथ्स के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये कहना दोस्तों ये काफी हद तक सही होगा नहीं होगा, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल की जब हम बात करते हैं तो ये बोला जाता है अल्फ्रेड नोबल, है ना, अल्फ्रेड नोबल, है ना, जब वो स्कूलिंग के समय थे, स्कूलिंग में पढ़ाई कर रहे थे तो अब उनको कहीं ना कहीं मैथ से डर लगता था और वो हर बार हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते थे लेकिन मैथ्स में उनका स्कोर थोड़ा कम हो जाता था, उसकी वजह से उनकी हमेशा जो रैंक थी क्लास में वो सेकेंड आती थी। तो मैथ्स को लेकर एक कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि नहीं मैथ्स जो है उसकी वजह से मेरे हर बार मेरी रैंक सेकंड आती है और उसकी वजह से दोस्तों यहां पर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया लास्ट मोमेंट में, देखा जाए कि मैथ्स में ये अवार्ड नहीं मिला, है ना, तो छह क्षेत्र थे लेकिन अब ये काफी हद तक सच है या नहीं है ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन छह क्षेत्रों में नोबल मिलता है। लेकिन दोस्तों जब मैं गणित की बात करता हूं तो गणित में हम यहां पर किसकी बात करेंगे, तो यहां पर एबल पुरस्कार की बात करेंगे, तो ये गणित का नोबल पुरस्कार है। इस बार ये किसको मिला है 2024 का, तो याद रखना नाम आता है मिसेल टेलाग्रेंड का, ये नाम दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है। क्या नाम हो गया भैया, तो इनका नाम है मिसेल टेलाग्रेंड, ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जब मैं नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स की बात करता हूं तो इनके द्वारा दोस्तों ये फ्रांस के हैं, ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये फ्रांस के हैं दोस्तों, मिसेल टेलाग्रेंड, जिनको 2024 का एबल पुरस्कार दिया गया, जिनकी आप लेफ्ट हैंड साइड में फोटो भी देख पा रहे हैं, दिख रही है भैया फोटो, तो एक बार बता देना फोटो दिख रही है, ये कौन है, मिसेल टेलाग्रेंड, कहां से हैं, तो ये फ्रांस से हैं, ये कहां से हैं, ये फ्रांस से हैं, इनको इस बार का
एबल पुरस्कार गणित का प्रदान किया गया है। इसके पहले दोस्तों हम बात करें 2023 की, तो 2023 का ये एबल पुरस्कार किसको दिया गया, तो लुईस कैफरेली, है ना, किनको दिया गया, तो लुईस कैफरेली को दिया गया है, जो कि कहां से, अर्जेंटीना से। मतलब 2024 का डेटा और 2023 का डेटा बात करें तो दो डेटा आपको अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर याद रखना है, याद रखोगे भैया। और इसको हम गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो लुईस कैफरेली में नाम किसका है, अर्जेंटीना से। और यदि हम दोस्तों मिशेल टेलाग्रेंड की बात करें तो इनका नाम हमें फ्रांस से यहां पर 2024 में एबल पुरस्कार में देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना। और दोस्तों अब क्वेश्चन ये बनता है कि एबल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो एक गणितज्ञ दोस्तों रहे जिनका नाम क्या है, तो नाम है इनका नील्स हेनरिक। क्या नाम है, नील्स हेनरिक, जिनकी याद में दोस्तों यह अवार्ड दिया जाता है। और 2001 में इस पुरस्कार की यहां पर शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले यह पुरस्कार 2003 में दिया गया था, जो कि जीन पेरी को दिया गया था। किनको दिया गया था, तो इनका नाम आता है जीन पेरी। ये डेटा भी आप लोग यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, नील्स हेनरिक की यहां पर शुरुआत में सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। और यदि हम बात करें, जीन पेरी का नाम आएगा, जिनको यह पहला दोस्तों एबल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 2003 में, है ना, 2001 में शुरुआत हुई थी और ये पहली बार 2003 में दिया गया था। तो ये डेटा आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे दोस्तों हम बात करते हैं, तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो इनका नाम क्या है दोस्तों, है ना, याद रखना। देखो हर एक डेटा आपके लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुईस मोंटेनेग्रो का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलेगा। चलो एक बार कमेंट करके सभी लोग बताओ, यदि मैं पुर्तगाल की बात करूंगा तो इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, करेंसी तो आप सभी को बताओगे। यदि मैं मुद्रा की बात करूंगा तो मुद्रा में यूरो का नाम आएगा, यूरोप में मिलेगा इसलिए यूरो है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है कि जब मैं पुर्तगाल की बात करूंगा तो इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, तो याद रखना लिस्बन का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग पुर्तगाल से संबंधित यहां पर जरूर याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो प्रधानमंत्री में लुईस मोंटेनेग्रो का नाम आता है। और यदि मैं दोस्तों बात करूं कप्तान रोशनी, अक्षर, स्वाति, प्रदीप, चिंटी, रिंकू, अक्षत, बालगोपाल, पूजा, इन सभी के द्वारा ये जवाब यहां पर बिल्कुल सही दिया गया है। दोस्तों अब नीरज चोपड़ा की हम बात कर लेते हैं, तो नीरज चोपड़ा को क्या बनाया गया है, एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भैया एवरेडी सेल को तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एवरेडी सेल, है ना, बैटरी को नहीं जानता होगा। तो एवरेडी के जो नए यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं उसमें नीरज चोपड़ा का आपको यहां पर नाम देखने को मिलेगा। दोस्तों इनके बारे में एक डेटा मैं और बता देता हूं, 87.58 मीटर का इनका हमें थ्रो देखने को मिलता है भाला फेंक में, जब हम ओलंपिक की बात करते हैं, ना ये डेटा जरूर याद रखना। ओलंपिक गेम्स है ना, कहां पर हुए, टोक्यो जापान में हुए। तो टोक्यो में दोस्तों जो ओलंपिक हुए थे इसमें इनका भाला फेंक में जो थ्रो था वो कितना था, 87.58 मीटर देखने को मिलता है। और आपको बता होगा गवर्नमेंट ने जैवलिन थ्रो डे भी डिक्लेयर किया था। भाला फेंक दिवस हम कब मनाते हैं, एक बार कमेंट करके बता दो, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। यहां पर 7 अगस्त का नाम भी हमें दोस्तों ये डेट भी देखने को मिल जाती है, जो कि कई बार मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है। 87.58 मीटर का इनका दोस्तों हमें यहां पर थ्रो देखने को मिलेगा। जबकि हम एशियन गेम्स की बात करें तो एक डेटा यहां पर और याद रख सकते हो, 88.88 मीटर ये इनका थ्रो किसमें था, जब मैं एशियन गेम्स की बात करता हूं 2022 के अंतर्गत। तो दो तीन डेटा है जो आपको यहां पर जरूर याद रखना है, ठीक है, किनके लिए, तो यहां पर है ना नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। और आपको पता है जब ओलंपिक हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 के ओलंपिक में भारत जो एक गोल्ड मेडल लेकर आया था वो इन्हीं का था, है ना, एक गोल्ड लाया था भारत, 2 सिल्वर लाया था, 4 ब्रॉन्ज लाया था। तो इसमें एक गोल्ड मेडल दोस्तों किसका देखने को मिलता है, तो यहां पर नाम दोस्तों हमें नीरज चोपड़ा का देखने को मिलता है, ठीक है। यस कुमार, गुड मॉर्निंग सर, भोपाल की धरती से, बहुत शानदार, खुश रहो भैया, ऐसे ही खुश रहो, अच्छे सिलेक्शन लो। ओके
चलिए तो ये डेटा आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अगली खबर हमें एनआईए से मिलती है और ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहां पर गलत नहीं करेंगे। चलिए तो दोस्तों नाम है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। यहां पर दोस्तों हेड कौन बन गए हैं फटाफट बताना। चार विकल्प आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग यहां पर प्रॉपर तरीके आंसर देंगे। दोस्तों आपको पता है इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई का नाम आता है, इंटेलिजेंस में आईबी का नाम आता है और रॉ का नाम भी देखने को मिलता है। इन तीनों के चीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें किसका नाम आएगा, प्रवीण सूद का। किनका नाम आएगा, प्रवीण सूद का नाम आएगा। यहां पर किनका नाम आएगा, तपन डे का। किनका नाम आएगा भैया, देखो डेटा याद रखना, आईबी जिसको हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से यहां पर जानते हो, रॉक की बात करें तो यहां पर रवि सिन्हा जो कि वर्तमान में इन इंटेलिजेंस एजेंसी के कौन है, हेड हैं। ये डेटा भी आप लोग साथ में लिख लेना। चलिए अब दोस्तों हम यहां पर देख लेते हैं फिलहाल आपकी एक्यूरेसी यहां पर क्या देखने को मिल रही है। तो यहां पर दोस्तों 100% पहला क्वेश्चन ये है जिसका आंसर में 100% एक्यूरेसी से मिला है और इसमें भैया सबसे फास्ट आंसर दिया है निशा चौहान ने, मात्र 12 सेकेंड में आंसर दिया है। बाल गोपाल सोहिल का नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों देखो यदि मैं आपसे बोलूंगा तो तीन डेटा याद रखना, सीबीआई जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं, आईबी जिसको हम इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं और रॉ जिसको हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर दोस्तों सदानंद वसंत जो दाते हैं इनको एनआईए का अध्यक्ष बनाया गया है। समझ में आ रही बात भैया, तो ये डेटा आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। तो ये महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं सदानंद वसंत दाते, जिनको दोस्तों एनआईए का अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। ये दोस्तों दो तीन हमें इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस एजेंसी से भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया और मैंने यहां पर एक्सप्लेन भी वो डेटा यहां पर कर दिया है। दोस्तों एनडीआरएफ की बात करें जिसको हम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन बन गए, तो याद रखना यहां पर पीयूष आनंद का नाम आपको देखने को मिलेगा जिनको एनडीआरएफ का महानिदेशक बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे तो याद रखना यहां पर पीयूष आनंद का नाम आपको यहां पर याद रखना है जिसको हम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स यहां पर फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसका गठन 2006 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में। दोस्तों अब कुछ अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का गठन कब हुआ था, याद रखना 1982 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का नाम आता है जिसको हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों हमारे भारत में जो रूरल सेक्टर है, ठीक है, जो ग्रामीण इलाके हैं, यदि हम उनकी बात करें, कृषि क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर ये लोन देने का, फंड देने का काम करता है जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर, तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कमेटी की सिफारिश से, किस समिति की सिफारिश से नाबार्ड को दोस्तों बनाया गया था, तो एक बार बता दो किस कमेटी की सिफारिश से नाबार्ड का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है केवी साजी, तो एक बार कमेटी का नाम बताओ किस कमेटी की सिफारिश से दोस्तों, है ना, नाबार्ड का गठन किया गया था। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, तो याद रखना नाम आता है बी शिवरमन। किनका नाम आएगा, बी शिवरमन कमेटी का नाम आपको देखने को मिलेगा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि आपसे बोला जाए कि बताओ आरबीआई किस कमेटी की सिफारिश से आया, तो याद रखना हिल्टन यंग का नाम आता है, हिल्टन यंग कमीशन, आपने नाम सुना होगा हिल्टन यंग कमीशन का नाम देखने को मिलता है। या फिर दोस्तों जीएसटी की बात करेगा तो केलकर कमेटी है ना, किसका नाम आएगा, तो यहां पर केलकर कमेटी का नाम दोस्तों देखने को मिलेगा, केलकर समिति का नाम देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट भी आप लोग यहां पर लिख लेना, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं सिडबी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको पता होगा प्रीवियस यदि हम एमपीपीएससी के एग्जाम की बात करें तो वहां से सिडबी में क्वेश्चन पूछा गया है और सिडबी का हेडक्वार्टर बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में कहां पर है, तो इसका
इसका हेडक्वार्टर हमें लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डेटा याद रखना पहले तो, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट इसका हेडक्वार्टर मुंबई या फिर दिल्ली लगा देते हैं। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। इसको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर जानते हैं, सिडबी को दोस्तों जानते हैं, ये डेटा यहां पर याद रखना। ठीक है, चलो इसके गठन की बात करें तो ये कब बना, तो ये 1990 में बना। और आपको पता होगा दोस्तों एक यहां पर नाम आता है योजना का जिसको हम मुद्रा बैंक के नाम से जानते हैं, कई बार बताया माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, और जो मुद्रा योजना है जिसके अंतर्गत भैया लघु चरण है ना, यदि मैं बात करूं किशोर चरण हो गया, सूक्ष्म चरण हो गया, और इसके बाद में तरुण चरण हो गया, इसके अंतर्गत तीन तरीके से लोन यहां पर दिए जाते हैं। समझ में आ रही बात, तो ये तीन चरण के जो लोन है मुद्रा बैंक में ही आपको देखने को मिलेंगे, जिसका रेगुलेटर कौन है, सिडबी, और इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है लोन की, तो यहां पर 10 लाख दोस्तों हमें लोन की मैक्सिमम लिमिट भी देखने को मिलती है। किसके लिए, एमएसएमई के लिए, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, याद रखना उसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्रा की बात करें तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी हमें इसका नाम देखने को यहां पर मिलेगा। समझ में आ रही बात, चलो भैया ये डेटा याद रखना। चलिए अगला नाम आता है दोस्तों, ये आप देखिएगा, फोटो देखिएगा, तो ये फोटो दोस्तों आपको देखने को मिल रही है, और ये है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। देखो जब मैं सेबी की बात करूंगा, इसका गठन कब हुआ, 1988 में, 1988 में, जबकि सेबी का जो एक्ट था, सेबी का जो एक्ट था ये आया था 1992 में। ये क्या काम करता है, तो ये शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, जिसको हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये कौन है भैया, तो याद रखना सेबी की बात करें तो ये शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, और सेबी का अधिनियम 1992 में आया था, जबकि गठन इसका 1988 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की, इसका नाम है माधवी पुरीबुद, जिनकी आप फोटो भी लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसका दोस्तों नाम आता है ट्राई का, जिसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसका फुल फॉर्म हो गया, तो ये फुल फॉर्म हो गया ट्राई का। ट्राई का गठन कब हुआ, तो याद रखना 1997 का नाम देखने को मिलेगा, 1997। और दोस्तों अभी ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जिनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो ये डेटा यहां पर आप लोग याद रखिएगा। तो ये ट्राई के दोस्तों नए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखोगे 1997 में ट्राई का गठन हुआ था, और मैंने कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करंट वाले सेगमेंट में करवाया भी है। चलो ट्राई का हेडक्वार्टर कहां पर, याद रखना इसका हेड ऑफिस हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये क्या काम करता है, तो ये टेलीकॉम सेक्टर का बॉस है, जो दूर संचार दोस्तों विनियामक के तौर पर हम इसको यहां पर जानते हैं। तो ये डेटा आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, जिसको हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं। दोस्तों आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और यदि मैं बात करूं तो इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जविया। दोस्तों आपको पता होगा 1944 में मैंने आपको बताया था कि बिल्टन वुड्स है ना, जो बिल्टन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, एक लोकेशन है दोस्तों बिल्टन वुड्स, यहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके अंतर्गत ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था, इसलिए हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बिल्टन वुड्स जुड़वा के नाम से भी इनको हम यहां पर जानते हैं। अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जविया, 1944 में इसका नाम देखने को मिलेगा। और इसमें दोस्तों चाहे मैं आईएमएफ की बात करूं या वर्ल्ड बैंक की बात करूं, दोनों में दोस्तों आपको याद रखना है हेडक्वार्टर वॉशिंगटन है, दोनों में हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन में। समझ में आ रही बात, चलो भैया तो ये फैक्ट आप लोग यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, 1966 में गठन हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखना मनीला फिलीपींस का, यहां पर आपको नाम देखने को मिलेगा। किसका नाम है, तो मनीला फिलीपींस का नाम देखने को मिलेगा। कई बार दोस्तों क्वेश्चन में बताया भी है कि परीक्षा में यहां से डेटा पूछा गया है। और जब मैं एडीबी की बात करूंगा, इसके अध्यक्ष कौन है, तो मसासुकु अस्कावा, भैया इनका पूरा नाम लो हर्षा, है ना, है ना, आप लोग ऐसे नाम ले लेते हैं, अस्कावा है,
ऐसा लग रहा है आपके रिलेटिव है। अरे भैया आप समझो इतनी बड़ी पोस्ट में है ना, कितनी बड़ी पोस्ट में एडीबी के अध्यक्ष है ना। चलो तो नाम याद रखना मसासुगु अस्कावा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिए अगला नाम आता है एफएओ का, और जब मैं एफएओ की बात करूंगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों डेटा कई बार पीएससी में पूछा गया है, 16 अक्टूबर 1945 ये वो डेट है जब एफएओ का गठन हुआ था, इसलिए हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के यहां पर रूप में भी मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब है, 16 अक्टूबर को है, और इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में देखने को मिलेगा। कहां पर है तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलेगा, तो ये फैक्ट भी आप लोग यहां से नोट डाउन कर लेना। और आपको पता है दोस्तों हम प्रतिदिन अब स्पेशल क्लासेस ही करंट अफेयर्स के साथ में यहां पर पढ़ रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम में स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी बहुत बेहतर हो पाए और आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत नहीं हो पाए। दोस्तों मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव कौन है, तो अभी यहां पर नाम वीरा राणा का हमें देखने को मिलता है ना, याद रखना दोस्तों। जबकि आपको पता है कि पहली महिला मुख्य सचिव में मध्य प्रदेश में किनका नाम आएगा, तो निर्मला बुच का नाम पहली महिला मुख्य सचिव में आता है, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश के मैं पुलिस महानिदेशक की बात करूंगा सुधीर कुमार सक्सेना का नाम आता है दोस्तों यहां पर। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, तो राजेश लाल मेहरा का नाम दोस्तों यहां पर एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसके अध्यक्ष के तौर पे देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट भी आप लोग यहां पर याद रखना। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये सबसे बड़ी दोस्तों यहां पर पोस्ट होती है जब मैं स्टेट में पुलिस की यहां पर बात करता हूं, ठीक है। तो ये तीन डेटा आप लोग यहां पर फटाफट अच्छे से लिख लेना। फोटो भी आप यहां पर वीरा राणा जी की देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर दोस्तों फोटो दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन की दुकान खोलने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और राजस्थान का दोस्तों यहां पर नाम देखने को मिलेगा। मतलब किस राज्य के द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन की दुकान खोलने की घोषणा की गई है। चलिए फटाफट आंसर देना। और मध्य प्रदेश वालों ने मध्य प्रदेश की यहां पर बाहर कर दी है और मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर आंसर में गए हैं ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश की तरफ। चलिए रानी, श्रेया, स्वाति, रिंकू, हरलीन, रोमी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर हम आंसर की बात करेंगे तो 95% में गए हैं, जिसमें मनु, रानी, राइडर, आंसू, हर्षा और रोमी का नाम दोस्तों देखने को मिलता है, जिन्होंने 12 सेकंड के आसपास में आंसर यहां पर दिया है। तो दोस्तों यहां पर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आम जनता की सुविधा के लिए ये कहीं ना कहीं घोषणा की गई, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो राशन की दुकानें हैं ये यहां पर खोली जाएंगी। चलिए भैया बहुत शानदार, अपना प्यारा सुंदर मध्य प्रदेश, ठीक है भैया। चलिए बहुत शानदार आंसर आप लोगों ने दिया है, जिसमें दोस्तों हम बात करें 311 पंचायत है जहां पर राशन की दुकानें अभी संचालित नहीं है। उन ग्राम पंचायतों में भी अधिकारियों के द्वारा दोस्तों राशन की जो दुकानें हैं ये जल्द से जल्द बहुत शीघ्र खोली जाए, ऐसे निर्देश भी दोस्तों यहां पर दिए गए हैं, समझ में आ रही बात। चलिए इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो यहां पर गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी आपको देखने को मिलता है मंत्री की यदि हम बात करें, जिसमें राशन की दुकानों को निलंबित करने की स्थिति में इस राशन दुकान को समीप दोस्तों यहां पर राशन दुकान से अटैच कहीं ना कहीं किया जाता था और आम लोगों को असुविधा से बचने के लिए यह राशन की दुकानों का संचालन निलंबन जो है यह राशन की दुकान पर ही अस्थायी रूप से करने के आदेश जो है अब ये जारी कर दिए गए, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है इसका पुनर्गठन किया गया और इसके बाद में इसको नाम क्या दिया गया है, एक बार कमेंट कर दो भैया। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। और मुझे यह भी बता देना कि अब दोस्तों इसको हम किस विभाग के नाम से जानेंगे ये भी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहां पर एक साथ एक तरफा आंसर एक ही विकल्प की तरफ मूव हो रहा है, अब हमें देखना है कितना एक्यूरेसी में आंसर यहां पर आप लोग यहां पर दे रहे हैं। तो हम एक बार एक्यूरेसी भी यहां पर आप सभी की देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल दोस्तों यहां पर आप सभी ने आंसर मध्य प्रदेश दिया है,
क्या बात है, 100% एक्यूरेसी में आंसर आ गया, जिसमें सबसे फास्ट आंसर वसुंधरा रोमी और नेहा के द्वारा दिया गया है। तो भैया इसमें हमारा मध्य प्रदेश का नाम ही फिर से यहां पर देखने मिलेगा, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं जो परिवार कल्याण विभाग है ना, तथा चिकित्सा जो शिक्षा विभाग है, इसके मर्ज यानी विलय की हम बात करें तो विलय करने की स्वीकृति यहां पर प्रदान कर दी गई, जिसमें हम लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की यहां पर बात करेंगे। और अब हम इसको किस नाम से जानेंगे, तो अब हम इसको लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में जानेंगे। तो अब दोस्तों मर्ज करने के बाद में नाम क्या हो गया, तो याद रखना लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, विलय करने के बाद में ये नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? अरे भैया पोल बहुत अच्छा है, पोल की बुराई मत करो, पोल की बुराई करोगे तो ये रैंक में आपको लास्ट में कर देगा। समझ में आ रही है बात? एआई फीचर लगा है पोल में भी, ठीक है हाँ, इसलिए पोल की तारीफ करो, बहुत अच्छा काम कर रहा है पोल, है ना, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम से इसको यहां पर जाना जाएगा। और इसके माध्यम से दोस्तों यदि मैं यहां पर बात करूंगा तो मेडिकल कॉलेज में जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो भी, जो अति गंभीर विशिष्ट उपचार है, चिकित्सा शिक्षा है, उन पर विशेष ध्यान भी यहां पर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए कुछ लोग यहां पर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, भैया ज्यादा तारीफ भी मत कर देना, चलिए है ना, बहुत अच्छा पोल है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश और किस राज्य के संयुक्त क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ किया गया, मतलब मध्य प्रदेश के साथ में यहां पर कौन सा स्टेट हमें देखने को मिल रहा है जिसके लिए दोस्तों संयुक्त क्राफ्ट बाजार हमें देखने को मिलता है, जिसको लेकर बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से प्रमोशन जो है ना हैंडक्राफ्ट का, वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम है, महाराष्ट्र का नाम है, राजस्थान का नाम है और आंध्र प्रदेश का नाम देखने को मिलेगा। सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी में आंसर भैया यहां पर मत देना, मैं फिर से बोल रहा हूं। और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, क्या नाम होगा, तो आंध्र प्रदेश का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने आंसर आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही, और जैसे ही मैंने बोला आंध्र प्रदेश तो एक स्टूडेंट बोल सॉल्यूशन बोलते हैं कि सर वह डी ही बोलने वाला था, वो तो आंसर हमारा ए मुंह से निकल गया, क्या बात कर रहा है, चलो कोई नहीं भैया। तो यहां मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग है उसमें दोस्तों जो अपर मुख्य सचिव है मनु श्रीवास्तव, और आंध्र प्रदेश की प्रमुख सचिव की बात करें के सुनीता, तो इन्होंने दोस्तों भोपाल की हम बात करें तो गोहर महल का नाम आपको यहां पर देखने मिलेगा, जिनमें दोनों राज्यों के संयुक्त जो क्राफ्ट बाजार है उसका शुभारंभ किया गया। कहां पर किया गया, तो यहां पर दोस्तों भोपाल का नाम हमें देखने को मिलेगा, किसका नाम, तो भोपाल का नाम दोस्तों देखने को मिलेगा। ये डेटा आप लोग याद रखना है, यानी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो क्राफ्ट मार्केट है इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश है उनके जो शिल्पकारी है, उनके जो सामग्री है वो विक्रय के लिए भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी एक बार दोस्तों हैंडक्राफ्ट में, या मैं बात करूं यदि क्राफ्ट बाजार में, एक अच्छा मौका मिल पाए अपनी चीजों को बेहतर प्रदर्शित करने के लिए। तो ये डेटा दोस्तों यहां पर आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के साथ में आंध्र प्रदेश का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो शिल्प उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक नाम आता है आपको याद रखना है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम लेपाक्षी एम्पोरियम, जो हैंडीक्राफ्ट है एम्पोरियम, इसको दोस्तों हम जानते हैं, जिसमें वस्तुओं को अलग अलग दोस्तों शोरूम में भी प्रदर्शित किया गया है ना, जिसमें हम मृगनयनी की शोरूम की बात करते हैं, यहां पर आपको चंदेरी और मध्य प्रदेश से संबंधित जो साड़ियां हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। समझ में आ रही बात? तो लेपाक्षी का नाम याद रखना, जिसमें आंध्र प्रदेश का नाम हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आप फोटो देखिएगा, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी कौन है, तो ये हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री, दिख रही है फोटो। जबकि हम दूसरे नंबर बात करें तो ये हैं एस अब्दुल नजीर, और एस अब्दुल नजीर कौन है, तो ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है, राज्यपाल है, दो नाम आते हैं, वाईएस जगनमोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री, और एस अब्दुल नजीर कौन है, तो इनका नाम हमें गवर्नर में दोस्तों देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें मैं पोल भी यूज कर देता हूं। क्वेश्चन है कि म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अभय ठाकुर है, अभिषेक सक्सेना है दोस्तों, दीपक सिन्हा है, या फिर हम बात करें दोस्तों अगला नाम हमें यहां पर सैयद अकबरुद्दीन का देखने को मिल रहा है। तो एक बार फटाफट बता दो
क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? म्यांमार में भारत के नए राजदूत में दोस्तों किनका नाम देखने को मिलेगा? थोड़ा आंसर फास्ट फॉरवर्ड में यहां पर आप लोग देते जाइएगा। वेरी गुड, ओके, सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चयन यहां पर फिलहाल किया हुआ है। किसका चयन किया है? तो ए का चयन किया। चलिए दोस्तों तो एक बार देख लेते हैं आपका परसेंटेज और यहां पर एक्यूरेसी दोस्तों कितनी है। तो यहां पर दोस्तों आंसर आपको 90% में अभय ठाकुर है, रोशनी कनौजे इन्होंने 17 सेकंड में आंसर दिया है, रिंकू सीमा राधिका दुबे और आंसू का नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा। तो यदि मैं बात करूं राजनयिक में अभय ठाकुर का नाम आता है जो कि म्यांमार में दोस्तों भारत के ये नए राजदूत यानी एम्बेसडर यहां पर बनाए गए, यानी वहां पर यदि मैं एम्बेसी की बात करूंगा म्यांमार में तो भारतीय दोस्तों है ना, भारत के राजदूत दोस्तों जो कि म्यांमार में आपको देखने मिलेंगे, ये नाम आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों पिछले साल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वार्ता का मार्गदर्शन करने वाले टीम के प्रमुख तौर पे भी इनका नाम देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि म्यांमार की हम लोकेशन की बात करें तो म्यांमार आपको मैप में कहां पर देखने को मिलता है? तो दोस्तों आपको देखो ये भारत का मैप तो यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसके बाद ये बांग्लादेश है और यहां पर आप देखिएगा तो ये आपको म्यांमार की लोकेशन दिख रही है जिसको हम बर्मा के नाम से भी यहां पर जानते हैं, ठीक है। इसके पास में इधर चाइना दिख रहे हो, ठीक है, ये थाईलैंड आपको यहां पर दिख रहा है, फिर वियतनाम है, लाओस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम म्यांमार की बात करें तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बर्मा के नाम से जानते हैं और म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो याद रखना दोस्तों आपको कैपिटल दिख रही है, कैपिटल ये डेटा याद रख लेना क्योंकि बार बार मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत सारे यहां पर ये डेटा दोस्तों गलत करते हैं। ये नाम है नेपिदो, क्या नाम है? नेपिदा, है ना। तो नेपिदा जो दोस्तों क्या है, तो ये म्यांमार की कैपिटल और म्यांमार की करेंसी क्या है? तो याद रखना क्यात, म्यांमार की करेंसी क्या है? तो म्यांमार की करेंसी आपको क्यात देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों जो आपको यहां पर याद रखने, तो आई होप आप डेटा याद रखेंगे। तो ने पी दा और करेंसी क्या है, तो क्यात का नाम हमें यहां पर देखने को मिल जाता है जो कि म्यांमार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जिनेवा में अंतर संसदीय जो संघ की 148वीं बैठक चल रही है, इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो किनके द्वारा किया गया? क्या वो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, वेंकैया नायडू हैं या फिर आरके सिन्हा का नाम मिलेगा? और यदि आप ये फोटो देखकर पहचान पाओ तो मुझे उम्मीद है आप काफी आसानी से आंसर यहां पर दे देंगे कि जिनेवा में अंतर संसदीय दोस्तों जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक जिनेवा में हो रही है उसमें भारत के प्रतिनिधिमंडल में किसका नाम हमें यहां पर देखने को नेतृत्व के तौर पर देखने को मिलेगा? तो यहां पर भैया एक्यूरेसी देख लेते हैं, तो ये 98% गई है जिसमें यश कुमार निशा बालगोपाल चिंटी का नाम आता और इन्होंने आंसर दिया है हरिवंश नारायण सिंह का नाम दोस्तों यहां पर दिया गया है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों यदि मैं राज्यसभा की बात करूंगा तो आपको याद रखना है ये राज्यसभा के उपसभापति है, क्योंकि राज्यसभा के दोस्तों हमेशा याद रखना जो हेड होता है ना वो कौन होता है, तो वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है। और हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है एक बार कमेंट करके बताओ, बता पाओगे? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उनमें नाम किनका आएगा? क्योंकि उपसभापति की बात करेंगे तब तो हरिवंश नारायण सिंह का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो एक बार राज्यसभा के दोस्तों सभापति की बात करेंगे तो एक बार सभी लोग बताओ, है ना, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बताने में इतना टाइम लगता है, तो जगदीप धनखड़ जी का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये डेटा भी आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है, ठीक है, याद रखोगे। चलो तो ये दोस्तों हमें यहां पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो अंतर संसदीय बैठक है उसमें नेतृत्व के तौर पे हमें यहां पर देखने को मिले हैं, ठीक है, याद रखना। जबकि दोस्तों मैं यहां पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करता हूं तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि मैं लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसमें किनका नाम आएगा? ओम बिरला, याद रखना। जो ओम बिरला है ये कौन है? तो ये है दोस्तों लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष
कौन से नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। जबकि हम हरिवंश नारायण सिंह की बात करेंगे तो ये राज्यसभा के दोस्तों डेप्यूटी चेयरमैन है, कौन से नंबर के? तो 12वें नंबर के, जिनकी राइट हैंड साइड पे आपको फोटो भी दिखाई दे रही। तो आई होप आप ये दोनों डेटा यहां पर याद कर पाएंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है एक बार कमेंट कर दो, तो ओम बिरला का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में यदि मैं 59 किलोग्राम युवा वर्ग की बात करूं तो इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? अजय राठी है, अतुल कुमार है, विनय कुमार है, या फिर ऋषभ सिंह का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा जब हम दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप की यहां पर बात करते हैं। 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है? और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मैं आपको हिंट दे देता हूं ये कहां से, उत्तर प्रदेश से, जिसमें दिवाकर रानी, घनश्याम रोमी, इन सभी के द्वारा आंसर दोस्तों यहां पर दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जो कि 80% स्टूडेंट गए हैं, वसुंधरा, बालगोपाल, आकाश ठाकुर, राधिका दुबे। तो यहां पर दोस्तों नाम क्या आएगा, तो विनय कुमार का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और ये कहां पर हो रही दोस्तों? इजिप्ट में। पैरा पावर लिफ्टिंग जो विश्व कप है ये इजिप्ट में हो रहा है, मिस्र में, जिसमें विनय कुमार ने दोस्तों 59 किलोग्राम कैटेगरी में, यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और इनका संबंध हमें कहां से देखने को मिलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कहां से, तो गोरखपुर से इनका नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है। जबकि इजिप्ट के ही अहमद अब्दुल कादर जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो विनय कुमार का नाम हमें इसमें गोल्ड मेडल में दोस्तों देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, जिसको हम बीपीआरडी के नाम से जानते हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके दोस्तों यहां पर नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? क्योंकि एनआईए का नाम आया, एनडीआरएफ का नाम आया, और इसके बाद में बीपीआरडी का भी आपको यहां पर नाम देखने को मिलेगा। चलो भैया फटाफट आंसर दे देना, वेरी गुड, यहां पर आंसर आना शुरू हो गए। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही यहां पर फिलहाल मूव कर रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं कितनी एक्यूरेसी से आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ये आंसर दोस्तों 100% हमें मिल गया, और 100% एक्यूरेसी में बात करें, सीमा, अक्षत, बालगोपाल, निशा का नाम आता है, रोशनी का नाम आता है, तो राजीव कुमार दोस्तों जो शर्मा है इनको क्या बनाया गया, तो ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दोस्तों क्या बनाए गए, तो ये इसके हेड यहां पर बनाए गए। और ये राजस्थान कैडर के दोस्तों आईपीएस ऑफिसर है, मतलब इनके कैडर की बात करें तो राजस्थान कैडर है, आईपीएस ऑफिसर है, 1990 बैच के, नाम है राजीव कुमार शर्मा, और इनको 2026 तक जब इनका रिटायरमेंट हमें देखने को मिलेगा तब तक के लिए दोस्तों इनको यहां पर महानिदेशक यहां पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन जब हैरिस की बात करें तो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने भैया, एक बार कमेंट करके बताना। और याद करना है ये क्वेश्चन मैंने बार बार क्लास में डिस्कस भी किया है कि यदि मैं दोस्तों यहां पर साइमन हैरिस की बात करूंगा तो इनका संबंध हमें किस देश से देखने मिलेगा, क्या ये कनाडा से है, आयरलैंड से, ग्रीनलैंड से, या रोमानिया से, दोस्तों इनका नाम हमें देखने मिलता है। और इसमें मुझे देखना है कितना परसेंटेज हमें आंसर दोस्तों मिल रहा है, तो इसका हमें एक ओवरऑल देख लें, एवरेज देख लें, तो आप लोगों के आंसर क्या देखने को मिल रहे हैं। लास्ट में अनाउंसमेंट भी करेंगे कि फिलहाल यहां पर टॉप 3 रैंकर स्टूडेंट हमें कौन देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है ये 100% एक्यूरेसी में आंसर आ गया है, और हमारी क्लास में इतनी एक्यूरेसी क्या बात है, बहुत शानदार। सीमा, विनय है ना, श्रेया का नाम आता है दोस्तों, तो ये आयरलैंड है ना, ये कौन बन गए, तो आयरलैंड के दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक बार आयरलैंड की जो कैपिटल है आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आयरलैंड की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम है दोस्तों एस जयशंकर, इन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग से मुलाकात की है? क्योंकि अभी एस जयशंकर की आपको विदेश यात्रा भी यहां पर देखने को मिल रही है। चार विकल्प हैं, मेडागास्कर है, सिंगापुर है, वियतनाम है, और दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया का नाम भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। फटाफट आंसर दे दो भैया, ये चार विकल्प आपके सामने, मेडागास्कर है, सिंगापुर है, कुछ लोग यहां पर वियतनाम बोल रहे हैं, कुछ लोग यहां पर दोस्तों अलग अलग नाम दे रहे हैं। भैया ऐसे आंसर दोगे क्या, इतने सारे अलग अलग आंसर? चलो ओके फटाफट आंसर दे दो।
मैं आपके लिए टाइम इसलिए दे देता हूं एक्स्ट्रा क्योंकि आप लोग कमेंट करते रहो भैया, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे ना तो फिर कैसे आंसर आएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो यहां पर आंसर आना शुरू हो गया सिंगापुर, कुछ लोग यहां पर बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग साउथ कोरिया बोल रहे हैं। कैसे आंसर दोगे, ऐसे आंसर दोगे भैया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नाम लिखा है ना, ये कौन है? ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अलग अलग आंसर आप लोग यहां पर दे रहे हो। ये कौन है? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि अभी यदि मैं एस जयशंकर की बात करूंगा तो इनका दौरा दोस्तों हमें कहां का देखने को मिलता है? सिंगापुर का। 62% आंसर आए हैं, ठीक है। संध्या यस चिंटी ने आंसर सबसे फास्ट यहां पर दिया है। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे ली सिन लुंग। अब आपको ये लगा होगा ऐसा नाम है तो एक काम करते हैं कोरिया करते हैं, क्योंकि जापान तो ऑप्शन है नहीं है। तो ऐसा नहीं भैया, ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है, नाम देखकर देश डिसाइड मत किया करो, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर में ली सिन लुंग का नाम आता है, क्योंकि अभी एस जयशंकर दोस्तों सिंगापुर की यात्रा पर हमें देखने को यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें इंडो पैसिफिक और पश्चिम एशिया पर खासतौर पर बातचीत भी की गई है। और इसमें दोस्तों सिंगापुर के विदेश मंत्री की बात करें विवियन बालकृष्णन का नाम आता है, इनसे भी मुलाकात एस जयशंकर के द्वारा दोस्तों यहां पर की गई है। ये डेटा आप लोगों को यहां पर याद रखना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति यहां पर कौन है, है ना? एक बार कमेंट कर दो भैया, है ना, यहां पर कमेंट कर दो। तो आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये अभी अपॉइंटमेंट के अंतर्गत हमें एक पार्ट देखने को मिलता है। और सिंगापुर के दोस्तों जो भाषा है ये मलय है, और राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें दोस्तों थर्मन शणमुगरत्नम का नाम आपको देखने को मिलेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है, कितने आसानी से दोस्तों ये नाम आपको यहां पर याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे भैया। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, है ना, ये कौन बोल रहा है? थर्मस। अरे भैया इनका नाम देखो, थर्मन शणमुगरत्नम, क्योंकि जब मैं अपॉइंटमेंट की बात करूंगा तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग याद रखना, इनको बार बार रिवाइज भी करते जाना, जिससे आप लोग ये डेटा काफी आसानी से यहां पर याद कर पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंगापुर की लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो आप देखिएगा यहां पर आपको मलेशिया दिख रहा है, यहां पर दोस्तों आपको मलेशिया के अलावा हम बात करें इंडोनेशिया दिख रहा है, इंडोनेशिया के अलावा, है ना, यहां पर ब्रुनेई दिख रहा है, और इसके पास में मलेशिया के नीचे आपको यहां पर देखिएगा आइलैंड के फॉर्मेट में, तो ये सिंगापुर की आपको लोकेशन जो है वो यहां पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से ये डेटा आप यहां पर रिकॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, इसके संरक्षण के लिए कौन सी समिति है जो नियुक्त की गई है? इसमें दोस्तों आपको आंसर देना है कि कौन सी कमेटी किसके लिए बनाई गई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए बनाई गई, जिसमें भारत सरकार के अंडर में सर्वोच्च न्यायालय है, यूनेस्को है, या फिर मध्य प्रदेश राज्य सरकार। अरे देखो हर बाजार मध्य प्रदेश है ना, आपको क्या लगता है अपने मध्य प्रदेश का जो स्टेट यहां पर बर्ड है वो कौन सा है? क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या वो, कि वो फ्लाई कैचर है? चलो एक बार सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी में आंसर कोई भी यहां पर नहीं देगा। चलो अब आंसर देना, ओके। कुछ लोगों ने यहां पर बी आंसर दिया, सर्वोच्च न्यायालय का नाम भी यहां पर दिया है, ओके। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जिन्होंने आंसर भारत सरकार मध्य प्रदेश दिया है, तो मध्य प्रदेश भैया यहां पर गलत है। हर बार मध्य प्रदेश आंसर नहीं लगाना, यहां पर नाम क्या आएगा? देखो यहां देखो कर दिया गलत आंसर, यही होता है ना, यही होता है जब आप लोग डेटा यहां पर गलत करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे तो फिलहाल नाम क्या आएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का नाम हमें यहां पर देखने मिलेगा। और यदि मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं तो एक बार कमेंट करके बताओ, सर्वोच्च न्यायालय यानी मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश में किनका नाम यहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा? ये कौन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है ये, है ना? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें दोस्तों, देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसमें धनंजय यशवंत
चंद्रचूड़ का नाम आता है या इन्हीं को हम डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से यहां पर जानते हैं। और इनकी अगुवाई में दोस्तों हमें ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है इसकी सुरक्षा और इसके संरक्षण को लेकर यहां पर एक आदेश भी पारित किया था, जिसमें दोस्तों हमें सुप्रीम कोर्ट का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। तो यदि मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करूंगा तो डीवाई चंद्रचूड़ का नाम हमें यहां पर देख मिलेगा। और ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एकमात्र पक्षी, और आपको पता होगा कि राजस्थान के यदि मैं यहां पर स्टेट बर्ड की बात करूंगा तो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम देखने को मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसको हम आर्डियोटिस है ना नाइग्रेसिप्स के नाम से जानते हैं, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो ये वन्य जीव संरक्षण जो हमारा अधिनियम है जिसमें 1972 का नाम हमें देखने को मिलता है, इसके तहत ये संरक्षित भी किया गया है। और जब मैं IUCN की बात करता हूं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जब मैं IUCN की बात करता हूं तो उसकी स्थिति में सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय में भी इसका नाम आता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। और IUCN का गठन कब हुआ था, 1948 में हुआ था। ये डेटा आप लोग यहां पर याद रखिएगा दोस्तों। कई बार परीक्षा में IUCN से डेटा पूछ लेता है, या मैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करूं यहां से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है ना हाथियों के संरक्षण को लेकर, या फिर दोस्तों मैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूं तो फिर यहां पर किनका नाम हमें देखने, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो किसका नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। दोनों डेटा याद रखना, 1992 का और 1973 का, दोनों नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो ये 1973 में आया। और जब मैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करता हूं तो 1992 का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलेगा। IUCN का फुल फॉर्म याद रखना, तो IUCN की बात करें तो इसको हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1948 में हुआ था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ग्लेंड में। ग्लेंड कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। समझ में आ रही बात, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चिंटी, रानी, मनु, सिविका, बहुत शानदार। कृतिका, रोमी, प्रदीप, वेरी गुड। चलिए तो दो तीन फैक्ट है जो आप पैरेलल यहां पर जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे पुराने मंदिर की तलाश में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने किस शहर में खुदाई शुरू की है, क्या हम्पी में, जगन्नाथपुरी में, पन्ना में, या फिर वाराणसी का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने मिलेगा। और इसमें थोड़ा मैं पोल आपके लिए काफी समय दे देता हूं। चलिए इस बार हम 45 सेकंड का समय लगा देते हैं जिससे आप लोग बेहतरीन तरीके से आंसर यहां पर दे पाए। चलिए, पन्ना है, हम्पी कर्नाटक है, जगन्नाथपुरी में, यदि मैं उड़ीसा की बात करूं, या फिर बनारस में, उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा। फटाफट आंसर दे दो। ओके, चलिए तो यहां पर आंसर जो है मुझे देखने को मिल रहा है फिलहाल दोस्तों यहां पर सी आंसर में एक मेजोरिटी है, लेकिन मैंने 45 सेकंड का टाइमर इसलिए लगाया है जिससे आप सोच समझ ले। और मुझे बता दें कि वो दो मंदिर के नाम क्या है जो कि यहां पर हमें सबसे पुराने मंदिर के रूप में दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। एक बार कमेंट करके नाम भी मंदिर का दी पता है तो जरूर मुझे दोस्तों आप लोग यहां पर शेयर करिएगा। चलिए तो फिलहाल यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 97% स्टूडेंट गए हैं। संध्या, रोमी, अक्षत, घनश्याम, नेहा का नाम आता है, तो यहां पर दोस्तों नाम क्या आएगा, तो पन्ना का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। किसका नाम मिलेगा, पन्ना का। अच्छा मुझे मंदिर बताओ फटाफट, यदि मैं पन्ना की बात करूंगा तो यहां पर मंदिर में दोस्तों हमें नाम क्या देखने मिलता है, जो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है दोस्तों, समझिएगा, भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है इसने संभावित जो सबसे पुराने मंदिर है उसको उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश में दोस्तों पन्ना जिले में है ना, यदि मैं बात करूंगा तो नचने गांव के दो टीले हैं जिनकी खुदाई यहां पर देखने को मिल रही है। और यह देखा जा रहा है क्या एमपी में, मध्य प्रदेश में दबा है कोई यहां पर दोस्तों प्रमुख और प्राचीन मंदिर के रूप में। तो यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे तो खुदाई स्थल में दो प्राचीन मंदिरों से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर एक नाम आता है, गुप्त युग में दोस्तों पार्वती मंदिर का नाम आता है, और दूसरा नाम कलचुरी राजवंश के द्वारा निर्मित यहां पर चौमुखनाथ मंदिर का नाम यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको याद रखना है एक तो यहां पर गुप्त युग में पार्वती मंदिर है और दूसरा कलचुरी राजवंश के द्वारा निर्मित दोस्तों जिसको हम यहां पर चौमुखनाथ मंदिर के नाम से दोस्तों यहां पर जानते हैं, जिसमें आपको एक नाम
देखने को मिलता है, हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, जो कि नचना मंदिर है। ठीक है, क्या नाम है इसका? नचना मंदिर। और इसी को दोस्तों हम यहां पर नचना कुठारा मंदिर के रूप में भी हम इनको जानते हैं। और आपने ये डेटा मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के अंतर्गत जरूर आपने ये डेटा यहां पर पढ़ा होगा। तो नचना यहां पर मंदिर बोल दीजिए या नचना कुठारा मंदिर के नाम से भी दोस्तों हम इसको जानते हैं। और इसमें खासतौर पर यदि मैं भूमरा और देवगढ़ की बात करूं तो इसके साथ में ये मध्य भारत के सबसे पुराने दोस्तों यहां पर जीवित पत्थर के मंदिरों में से इसको यहां पर जाना जाता है। भूमरा और देवगढ़ के साथ में ये नाम भी यहां पर देखने को मिलते हैं। तो नचना कुठारा मंदिर का नाम भी दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है। समझ में आ रही बात है ना? चलिए, है ना, या फिर नचना इसको टेंपल बोल दीजिए। दोस्तों आपको फोटो भी यहां पर दिखाई दे रही है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तो ये पार्वती मंदिर है। और यहां पर चौमुख नाथ मंदिर का नाम भी आपको देखने को मिलता है। ये पार्वती मंदिर है नचना कुठारा और यहां पर चौमुख नाथ मंदिर की भी आपको फोटो दिख रही है। तो एक बार कॉमेंट करके बताओ ये जो दोनों मंदिर है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है, कॉमेंट करके बता दो भैया, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ ये दोनों मंदिर हमें मध्य प्रदेश में कहां पर देखने को मिलेंगे, कमेंट करके बता दो, आपसी बातें मत करो। चलो भैया फटाफट लिखना, डेटा हो गया है, लिख लिया है, समझ आ गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर आप लोग बता दीजिएगा कि सर यहां तक चीजें क्लियर हैं। ओके, हो गया, लिख लिया, ओके, बहुत शानदार। अच्छा सच बताना, इस क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके दोस्त यही क्लास में ही बने? क्योंकि मैंने देखा है कई बार हम क्लास पढ़ा रहे हैं और यहीं बीच में ही कमेंट आ रहे हैं, और तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक है कि नहीं है, है ना, नाश्ता कर लिए हो कि नहीं कर लिए, है ना, ये देखो भांग पी लिए मोबाइल ने, इन्हें मतलब ही नहीं है। हम यहां पर बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, हम बात कर रहे, देखो मैंने कई बार क्लास में बोला भी है कि जब बिना पासवर्ड के आपका मोबाइल ओपन नहीं होता तो बिना मेहनत के सफलता कैसे मिलेगी, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने देखा है कई बार हम क्लास पढ़ा रहे हैं, अब यहां पर बीच में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनको क्लास से कोई मतलब नहीं है, वो लगे हैं अपनी दुनिया में। ठीक है, है ना, कि हमारा एक फ्रेंड था, है ना, वो पता नहीं आया नहीं है क्या, आज छुट्टी हो गई क्या, कल की छुट्टी है, देखो कल की छुट्टी है क्या सर, है ना, सब अपने अपने में अलग लगे हैं, है ना। हम यहां पर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा हो पाए, करंट अफेयर्स का अच्छा खासा रिवीजन हो पाए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहे, है ना, अलग अलग समझ में आ रही है ना। कल 30 तारीख है, कल एक की गैर होने वाली है ना, उसका अलग माहौल फिलहाल इंदौर मिलने वाला है। तो कल की जो क्लास रहेगी वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन भी वहां पर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा क्लास में फोकस करो, आपसी बातें नहीं करना, है ना। मैंने देखा है कुछ लोग सुबह सुबह जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है, चलो विश कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपस में लगे, गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग रूमी कैसे हो, गुड मॉर्निंग पीयूष, है ना, गुड मॉर्निंग घनश्याम, गुड मॉर्निंग पंकज, है ना, आ गए क्लास में, आ गए, कल नहीं थे क्लास में, कल कहाँ थे, 2 दिन से तुम दिखे नहीं हमें क्लास में, है ना, हमने क्लास इसलिए पढ़ी नहीं, कहाँ थे, है ना, नाश्ता कर लिया है क्या, ये देखो अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या करंट अफेयर्स पढ़े हैं, एग्जाम और आगे बढ़ेगी क्या, अरे एग्जाम की डेट 23rd of June आपको बता होगा, कल फिलहाल मैंने कुछ समय के लिए, मुझे बाय डिफॉल्ट याद नहीं रहा, मैं मेरा हर बार का एक शेड्यूल रहता है कि शाम को 6 बजे मैंने बोला था जो टेलीग्राम चैनल है उसको मैं करीब 1 घंटे के लिए ओपन कर देता हूं, जिसमें आप लोगों के जो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें शेयर कर दीजिएगा, तो उसके बाद में जब हमें समय मिलेगा तो हम उसको देख लिया करेंगे, और हम देख लिया करेंगे आपके क्या डाउट है, सारी चीजें। और कल हम ध्यान नहीं दे पाए, वो चैट ऑन थी, मैं दूसरे काम में लग गया, ठीक है। तो मैंने देखा जब लगभग 3-4 घंटे बाद तो उसमें 178 मैसेज पड़े थे, मतलब हद ही कर दी आप लोग, और 178 मैसेज में कोई भी एक सिंगल डाउट नहीं था, सिर्फ आपसी बातें में लगे थे।
सिर्फ आपसी बातें में लगे थे, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है ना। कुछ लोग अलग 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 ही चल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं ग्रुप में, करंट अफेयर्स का ग्रुप है, यूनिट 9 का कंप्यूटर ग्रुप है ना। मैंने आपको बोला है कि ये 6 से 7 जो हम टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करते हैं ना, चैट को ऑन करते हैं, वो इसलिए किया जाता है जिससे आप लोग अपने कोई भी ऐसे डाउट है ना जो एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई क्वेश्चन है, आप वहां पर शेयर कर दीजिएगा। मैंने कल बोला था कि नोट्स आप लोग करंट अफेयर्स के बना रहे हो कि नहीं बना रहे, उसमें 2-3 लोगों की रिप्लाई है, बाकी अपनी दुनिया में लगे हैं, अपनी दुनिया मदमस्त है, उन्हें पता ही नहीं है, वो अपने होली में अलग लगे हैं, अभी तक होली का माहौल ही खत्म नहीं हो रहा। अभी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक घर में हैं, है ना, होली में अभी भी घर में है, अभी तक घर से वो नहीं आ रहे, घर वाले बहुत स्वागत कर रहे हैं, बेटा 3 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया, सुबह नाश्ता मिल रहा है, लंच मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, सब कुछ इतना स्वागत हो रहा है, तो घर में आराम से पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन जब घर वाले 5 से 6 दिन बाद भगाएंगे ना कि बेटा बहुत हो गया है ना, बहुत हो गया स्वागत, अब निकल लो पढ़ने, है ना, बहुत हो गया, तब चीजें समझ में आती है। शुरू शुरू में तो मैं लगता है घर वाले बहुत लाड करते हैं, है ना, 2-3 दिन 4 दिन सुबह सुबह उठते ही नहीं, आंख नहीं खुलती कि चाय नाश्ता पोहे जलेबी हमारे सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूंगा ना कि जब माता पिता की भी बात करें ना, तो एक समय तक तो माता पिता आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं समय है, हमें करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, और वो करेंगे भी। लेकिन एक समय के बाद में जब काफी समय व्यतीत हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना फिर माता पिता ने यदि ये बोल दिया ना कि बेटा बहुत हुआ, हमने जितनी जिम्मेदारी थी हमने निभाई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी अब तुम्हें करना है, अब हम खर्चे तुम्हारे मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब फिर आंखें खुलती, तब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों अभी तक तो हमने बहुत मौज मस्ती कर ली, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन अब हमारा समय आ चुका है अपने खुद के लिए एक जिम्मेदारी निभाने का। तो जिम्मेदारी अभी से ही निभाना शुरू कर दो तो आपके लिए चीजें काफी बेहतर होने वाली। इस तरह की गॉसिप बातें फिलहाल ग्रुप में ना किया करें, ठीक है, ग्रुप जो है उसकी मर्यादा को भी बनाकर आप लोग रखा करें। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल हम यहां पर बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, बात करते हैं ASI की, बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, इसकी जो स्थापना है ये 1861 में हुई थी, 1861 में किसने की थी दोस्तों, तो अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम हमें देखने को मिलता है, और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो यदु वीर सिंह रावत का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, समझ में आ रही बात, नाम क्या आएगा, तो यदुवीर सिंह रावत का नाम दोस्तों हमें ASI के हेड के तौर पे देखने को मिलेगा। दोस्तों कुछ मंदिर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें पहले मंदिर में नाम किसका आता है, तो वैद्यनाथ मंदिर का नाम देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं मंदिर के नाम लूंगा, आपको मुझे बताना है कि इस मंदिर का जो संबंध है ये हमें किस राज्य से देखने को मिलेगा। तो यदि मैं वैद्यनाथ मंदिर की बात करूंगा, एक बार कॉमेंट करके बताओ इसका संबंध हमें किस राज्य से, इतना काम करोगे, मैं आपसे मंदिर का नाम बोलूंगा, आप मुझे बताएंगे वो टेंपल हमें किस लोकेशन में दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो वैद्यनाथ मंदिर का नाम आएगा, और ये दोस्तों हमें झारखंड से देखने को मिलता है, और इसी को हम बाबा वैजनाथ के नाम से भी जानते हैं। इसका पुनर्निर्माण दोस्तों 1596 में किसने कराया था, राजा पूरन मल के द्वारा यहां पर कराया गया था। ये डेटा दोस्तों यहां पर आप लोग याद रखिएगा, कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये हमें झारखंड में देखने को मिलेगा। इसका दोस्तों अगला नाम आता है नागेश्वर मंदिर। दोस्तों बताना कॉमेंट करके फटाफट, देखो आपने गुजरात में द्वारिका का नाम सुना है, सोमनाथ मंदिर का नाम सुना है, ठीक है, सोमनाथ का नाम सुना होगा, जब हम सोमनाथ की बात करते हैं तो सोमनाथ हमें दोस्तों यहां पर कहां देखने मिलेगा, तो ये हमें यहां पर दोस्तों गुजरात में देखने मिलता है। अब यदि बात करूं गुजरात के द्वारिका में दोस्तों हमें नागेश्वर देखने मिलता है, कहां पर, गुजरात में है, और इसमें दोस्तों हम बात करेंगे तो इसको हम नागनाथ मंदिर के रूप में ही यहां पर हम इनको जानते हैं, और गुलाबी पत्थर से दोस्तों ये मंदिर का निर्माण हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये डेटा भी दोस्तों यहां पर आप लोग याद रखिएगा। इसको अगला नाम आता है भीमा शंकर मंदिर का, और जब हम भीमा शंकर मंदिर की बात करेंगे तो ये दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में देखने को मिलता है, कहां पर है, तो इसकी लोकेशन हमें महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों देखने को मिलती है, और इसी को हम मोटेश्वर महादेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसी मंदिर को दोस्तों मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, और यहां पर भीमा नदी निकलती है, इसकी वजह से हम इसको नाम से भीमा शंकर के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर दोस्तों नाना
फड़नवीस का नाम आता है, जिन्होंने 18वीं सदी में इसका निर्माण कराया था। नाम क्या हो गया? भीमाशंकर मंदिर हो गया। और भीमाशंकर मंदिर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में दोस्तों इसकी लोकेशन आप इस तरीके से यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो भीमाशंकर मंदिर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है मल्लिकार्जुन मंदिर। जो मल्लिकार्जुन दोस्तों मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर हमें ये मंदिर देखने को मिलता है, जिसको हम मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से दोस्तों हम यहां पर जानते हैं। समझ में आ रही बात भैया? याद रखोगे, है ना, याद रखोगे। चलो कोई नहीं, नेहा आपको देर में समझ में आया लेकिन बहुत सही आपको समझ में आया, बहुत अच्छा डिसीजन आपने यहां पर लिया कि किसी से आप बात नहीं करेंगे, एकांत में आप पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल, है ना। चलिए ओके, बहुत शानदार, देखते हैं ये डिसीजन आप कब तक यहां पर फुलफिल कर पाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दोस्तों यहां मल्लिकार्जुन मंदिर का नाम हमें यहां पर देख मिलता है 12 ज्योतिर्लिंग में, और इसको हम दक्षिण का कैलाश भी यहां पर बोलते हैं। और इस मंदिर को दोस्तों भ्रामरम्भा मल्लिकार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, और वीर नरसिम्हा द्वारा दोस्तों द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसको हम मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से यहां पर जानते हैं। कहां पर हो गया? तो ये आंध्र प्रदेश में हो गया। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तो अगला नाम आता है सास बहु मंदिर। अच्छा, इसका यदि मैं वास्तविक नाम की बात करूंगा तो इसका नाम क्या है, एक बार फटाफट बताओ। जब मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करूंगा तो उसमें हमें यह मंदिर देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण महीपाल एवं रत्नपाल ने दोस्तों यहां पर करवाया था। एक बार फटाफट सभी लोग बता देना। इसी को हम सहस्त्र बाहु मंदिर के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको बोल दीजिए सास बहु मंदिर। कितने लोग हैं जो ये मंदिर यहां पर गए हुए हैं, एक बार कॉमेंट करके बताओ भैया, है ना। ग्वालियर फोर्ट की बात करते हैं, गए हो यहां पर, कोई गया है? ग्वालियर से कितने लोग हैं, है ना। ग्वालियर का प्लान हमने बनाया है, ग्वालियर का किले का कोई गाइड बन जाना हमारा, ठीक है, कोई गाइड बन जाना, जिसमें हम यहां पर सास बहु मंदिर की बात करेंगे तो ये हमें ग्वालियर मिलेगा। महीपाल एवं रत्नपाल के द्वारा दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कोई है यहां पर ग्वालियर से? है नहीं? हो क्या, हम सोच रहे हैं एक टूर बनाया जाए जिसमें आप लोगों को मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर हैं, है ना, जो अलग अलग दोस्तों यहां पर हम बात करें हेरिटेज हैं, वो आपको भ्रमण जरूर कराया जाए, क्योंकि शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंदौर में आपको ले जाया जाए, कहां पर, राजवाड़ा ले जाया जाए, है ना, कांच महल ले जाया जाए, इसके बाद में गांधी हॉल ले जाया जाए, चिड़ियाघर घुमा दें, म्यूजियम वहीं पास में है तो म्यूजियम भी आपको घुमा दें, जिससे आपको हर एक डेटा यहां पर शुरुआती तौर पर याद हो जाए। पर ये मत बोलना सर उसके पास में मेला लगा हुआ है, झूले हैं, वहां भी घुमा दो, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, है ना। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है पशुपति नाथ मंदिर का। नाम हमें यहां पर देखने मिलेगा, एक बार सभी लोग दोस्तों बताना, यदि मैं पशुपति नाथ मंदिर की बात करूंगा तो ये नेपाल के काठमांडू में देखने को मिलेगा। कहां पर है? तो नेपाल के अच्छा मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में दोस्तों हमें कौन सा मंदिर देखने को मिलता है, एक बार कमेंट करके बताओ कि मध्य प्रदेश में मंदसौर से कौन सा मंदिर हमें देखने को मिलेगा, एक बार फटाफट बताओ, है ना। बस यही बचा था, एक रीजनल पार्क ही बचा था जो हमने आपको नहीं बताया। चलो मंदसौर में कौन सा मंदिर है दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताओ। तो मंदसौर में दोस्तों किसका नाम आएगा, देखो ये आपको रिकॉल करते जाना। देखो पशुपति नाथ मंदिर की बात करें नेपाल के, यहां पर काठमांडू में देखने को मिलेगा, और यदि मंदसौर की बात करें तो यहां पर भी पशुपति नाथ हमें मंदिर देखने को यहां पर मिलता है, लेकिन ये जो है ये नेपाल में है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है ये 16वीं शताब्दी में दोस्तों राजा प्रताप जो मल्ल हैं इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, याद रहेगा। चलो अगला नाम आता है गोल्डन टेंपल, ठीक है, जिसको हम दोस्तों स्वर्ण यहां पर, है ना, मंदिर के रूप में जानते हैं। और ये कहां पर है? तो ये पंजाब के अमृतसर में, ये कहां पर है? पंजाब के अमृतसर में। और दोस्तों इसका जो निर्माण है ये 1577 में गुरु रामदास जी के द्वारा कराया गया था। और आपको बता होगा दोस्तों अमृतसर का जो एयरपोर्ट है वो भी हमें इनके नाम पर दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही बात? तो एक बार कॉमेंट करके बता दो कि यदि मैं अमृतसर की बात करूंगा तो अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है, अमृतसर के हवाई अड्डे का नाम क्या है, कितने स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यह मंदिर का निर्माण किसने कराया? गुरु रामदास जी के द्वारा कराया गया। और यहां पर दोस्तों हम बात करें तो इस मंदिर की वास्तुकला एवं पूरा करवाने का जो कार्य था वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। यह डेटा आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। चलिए
ओके यहां पर आंसर आना शुरू हो गया, ठीक है। यहां पर गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, जो ऑपरेशन है जो आप यहां पर बात कर रहे हैं ना, तो एक बार क्वेश्चन मेरा सभी का है कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है ये कब हुआ था, तो इसमें डेट हमें 1984 में ही यहां पर देखने को मिलती है। 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का नाम यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये डेटा आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिए अगला नाम आता है कामाख्या मंदिर का, कामाख्या टेम्पल का। और ये दोस्तों आपके लिए मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये असम में कहां पर है, तो ये असम में हमें देखने मिलेगा। और इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था, तो चिला राय के द्वारा दोस्तों यह निर्माण हमें यहां पर असम में दिसपुर में देखने को मिलेगा। अगला नाम आता है सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर दोस्तों हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में है। और यहां आपको पता है कि महमूद गजनवी के द्वारा दोस्तों यहां पर इस मंदिर को यहां पर नष्ट कर दिया गया था। बहुत सारा सोना था जो यहां पर महमूद गजनवी के द्वारा लूट लिया गया था, लेकिन इसके बाद में राजा भीमदेव का नाम आता है जिन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। किन्होंने कराया था, राजा भीमदेव के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखना। और आप सभी को पता है इसके बाद में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का आदेश जब देखने को मिलता है तब इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया था, ठीक है। और इस मंदिर का वर्णन दोस्तों ऋग्वेद में भी किया गया, इसलिए ये और भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। तो यहां पर ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ का नाम आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। रिवील नाम क्या भैया, आपसी बातें फिर से शुरू कर दी। चलिए तो ये डेटा आपको यहां पर याद रखना है। और यहां पर दोस्तों आगे भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलग अलग मंदिर पर लूटपाट और मंदिर का विध्वंस भी यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर मंदिर थे जो आपको यहां पर याद रखने थे। चलिए आगे दोस्तों हम बात करते हैं, है ना। तो कुछ अब होमवर्क आपको दे दिया जाए जिससे आप लोग कहीं ना कहीं डेटा यहां पर रिवाइज कर लें और अच्छे से क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्मेट में आप लोग डेली करते जाएं। चलिए दोस्तों तो अब मैं आपको अगला होमवर्क यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। आज के 5 क्वेश्चन में दे रहा हूं और फिर इसके बाद मुझे देखना है कि फिलहाल है ना कल के विजेता कौन कौन हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, और जो बाकी मंदिर हैं मध्य प्रदेश है ना और भारत के, तो उनको हम यहां पर मंडे भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर दोस्तों होमवर्क पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे पुराने मंदिर की तलाश में ASI ने किस शहर में खुदाई शुरू की है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यह रहा कि किसे हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक यहां पर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार शर्मा, अभिषेक रस्तोगी, विनय अग्रवाल और मनजीत सिंह। और इन सभी के जवाब आप क्लास में अभी नहीं देंगे, क्लास कंप्लीट होने के बाद में कमेंट बॉक्स पे आप लोग आंसर यहां पर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जो फॉर्मूला रेस है यह जीती है। कार्लोस सेंज है, लुईस हैमिल्टन है, मैक्स वेरस्टैपेन है या फिर राल्फ शूमाकर का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अगला होमवर्क का क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। राजीव कुमार शर्मा, सदानंद वसंत दाते हैं, अजय आनंद हैं या फिर अभिनव शर्मा का नाम हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहां जो सक्षम ऐप लॉन्च किया है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें गृह मंत्रालय है, मध्य प्रदेश सरकार है, शिक्षा मंत्रालय है या फिर चुनाव आयोग का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये कुछ होमवर्क के थे, पार्ट था जो कि मैंने आपको यहां पर दिया है। अब हम बात करते हैं कल के विजेताओं की घोषणा कर देते हैं जिन्होंने भैया कल यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दिया था। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, जिनके नाम बोलूंगा एक बार यस सर के माध्यम से बता दें जो यदि क्लास में उपस्थित हो, तो सबसे पहले रोशनी का नाम आता है, बहुत शानदार, वेरी गुड। इसके बाद में ठाकुर अक्षत प्रताप है, दिवाकर गुप्ता है, कृतिका पाटीदार है, इसके बाद में सिमरन बानो का नाम आता है, यूजर है, इसके अलावा यशा ठाकुर है, दित्या है, हर्षिता गौतम है, वेरी गुड, वेल डन, आंसर आप सभी के द्वारा दिए गए हैं। रानी पाठक का नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है, परवीन का नाम आता है, वसुंधरा है, पूजा का नाम आता है, वंशिका, रानू और अभिजय का नाम यहां पर बेहतरीन आंसर में दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तनु राजपूत के अलावा चिंटी है, सानवी है, श्रेया सिंह है, सुनील गायक है। दोस्तों मैंने एक चीज देखी है कि फिलहाल जो मैं डेली होमवर्क दे रहा हूं
उस होमवर्क में गर्ल्स के आंसर ज्यादा आ रहे हैं, तो बॉयज पीछे क्यों रह रहे हैं भैया? देख रहे हो यहां पर जितने भी डेटा आप देख पा रहे हैं, इनमें गर्ल्स सबसे आगे चल रही हैं, बॉयज पीछे हो रहे हैं, बॉयज आंसर क्यों नहीं दे रहे भैया? तो बॉयज भी इस बार थोड़ा आगे रहकर आंसर देना। चलिए इसके बाद में रोमी का नाम आता है, ठीक है, स्वर्णा है, विनीत है, रागनी है और सीमा का नाम आता है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर आंसर दिए हुए हैं दोस्तों। चलिए तो आज के होमवर्क क्लास के बाद में आप सभी आंसर यहां पर जरूर दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं दोस्तों लीडर बोर्ड की कि आज के टॉप स्टूडेंट यहां पर कौन कौन है जिन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिए हैं और उनकी रैंकिंग क्या दिखाई दे रही है। चलो भैया सबसे पहले यहां पर चिंटी का नाम आता है जिनकी फर्स्ट रैंक है आज के सेशन में। चिंटी के बाद में रोशनी का नाम है, रानी का नाम है, जिन्होंने 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के आंसर यहां पर सही दिए हैं। इसके बाद में दोस्तों श्रेया सिंह है, घनश्याम लोधी हैं, राधिका दुबे हैं, रोमी है, सीमा, स्वाति, संध्या, ये टॉप 10 स्टूडेंट में आज हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही भैया आंसर देना है, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे ही आंसर आप सभी लोग यहां पर डेली बेस पे देते जाइएगा। चलिए तो फिलहाल ये आज के हमारे टॉप 10 स्टूडेंट हैं। चलिए दोस्तों तो आज के सेशन में इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है, चलो ओके। तो फिलहाल दोस्तों मिलेंगे फिर हम आप सभी से, तो कल का जो सेशन, कल आपको पता है रंग पंचमी है, इसलिए कल की सेशन जो है वो प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। बाकी मंडे जो है फिर हम आप सबसे मिलेंगे और जो मंडे वाला सेशन रहेगा ना उसमें हम प्रमुख मंदिर है ना, एयरपोर्ट, स्टेडियम, स्टैटिक पार्ट के साथ में करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, तो मुलाकात होगी आप सभी से। चलिए तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।